सर, जिस तरीके की घटना है उस घटना को लेकर क्या कहेंगे? दलित समाज पूरा आक्रोशित है, नाराज है। इस नौजवान बच्चे की जो मौत हुई उसके मास्टर की पिटाई के बाद, उसके परिवार से मिला हूँ और मैंने उसके पिताजी से, उसके दादाजी से विस्तार में बातें करी और मुझे बड़ा दुख है कि एक मासूम बच्चा जो पढ़ाई करने स्कूल में जाता है, इस देश के आज आजाद हुए हमारे को 75 साल हो गए, इस 75 साल आजादी के बाद हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर आज भी इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, ये हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है और बहुत आत्मचिंतन की बात है। उस बच्चे को मारा गया और उसकी मौत हो गई। वो 15-20 दिन बीमार रहा, 9 साल का बालक था और जो FIR लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि वो एक मटके से पानी पीना चाह रहा था, पी लिया था और वो मटका वो मास्टर का था, ये FIR में लिखा गया है। चिंता की बात यह है कि उस बच्चे की कैसे मौत हुई है, बहुत बड़े सवाल खड़े करती है और मैं यहाँ परिवार वालों का दुख बांटने के लिए हम सब साथ ही आए थे और खासकर ये समाज जो आज पिछड़ा है, दलित है, हर मान्य से दबाव में है और यहाँ पर भी अभी भी इन्होंने चिंता जाहिर करी है मुझे कि इनको अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता है और सरकार के काफी मंत्री यहाँ पर आए हैं, आश्वासन भी दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस और प्रशासन इनकी जान माल की सुरक्षा रखेगा, लेकिन जो मुआवजा है मुआवजा भी दिया गया है, केस रजिस्टर कर लिया गया है, लेकिन जो स्कूल है और जो संस्था है उसकी मान्यता को रद्द करना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर। बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी कर देना चाहिए था, लेकिन संदेश जाना चाहिए कि इस प्रकार कोई दलित समाज का नौजवान अगर कहीं मूछ रखता है उसका उसको मार दिया जाएगा, जैसे पाली जिले में हुआ। कोई दलित बच्चा है उसकी अगर पिटाई होगी उसकी जान चली जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसको बदलना पड़ेगा। सर सरकारी सर, मेरी बात जहां तक इस घटना की बात है, मैं ही समझता हूं ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित आदिवासी गरीब पिछड़े कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के जहन में है कि दलितों के साथ अत्याचार कर आप बच नहीं सकते। अगर उस मानसिकता पर हम दबाव डालकर खत्म नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं कर रहे। सरकार का, जनता का, हमारा आपका विश्वास रिकॉल कायम रहना चाहिए। इनके जहन में पता होना चाहिए अगर कोई गलत काम हमसे करेगा तो उसका उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब तक वो डर और वो कानून का एक जो डर होता है जहन में अगर वो नहीं रहेगा तो फिर इस प्रकार घटना होती रहेगी और हमें इसमें पूरा संकल्पित होना पड़ेगा। इसमें मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा जब भी किसी गरीब दलित आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ है हम उसका दुख बांटने हमेशा गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इस खुले माहौल में इस प्रकार का कोई दलितों के साथ अत्याचार कर सके ऐसी हिम्मत किसी की ना हो, ये हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा और हम सब लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर लोगों का विश्वास जीता जाए, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस कायम किया जाए कि इस प्रकार की हरकतों को, इस प्रकार के इंसिडेंट को हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो बच्चा चला गया है वो वापस जिंदगी में द्वारा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन एक उदाहरण बना सकते हैं उसको, परिवार को मदद करनी है, जो मुआवजा देना है, जो कार्रवाई करनी है। और यहाँ पर मुझे परिवार के साथी बता रहे हैं कि जब बच्चा वापस आया उसकी लाश, हाँ, तो लाश को रात के अंधेरे में यहाँ दफनाया गया है और पीड़ित परिवार के परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया है। उस वक्त तो उस पर तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर और EDM के ऊपर जिसका कंप्लेन है, नाम लेके कह रहे हैं, जिसके जो मृतक के पिताजी हैं और दादाजी हैं वो DSP और ADM का नाम लेके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार वालों के ऊपर खदेड़ा गया, मोबाइल छीन लिए गए, डिटेन किया गया उनके दामाद को, लाठीचार्ज किया गया, इस प्रकार उनको चोटें लगी हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद जो रवैया रहा उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी को हटाना है हटाया जाना चाहिए, जांच हटाई जानी चाहिए और उसको तुरंत हटाना चाहिए अगर परिजन ये डिमांड करते हैं। और आज भी ये लोग भय के माहौल में है, सरकार ने घोषणा करी है पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पुलिस के माध्यम से चौकी लगाई जाएगी,
लेकिन भविष्य में भी इनकी जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इनका पूरा सुरक्षित रखने का बंदोबस्त करेगी। साहब जब यूपी में घटना होती है दलितों के साथ में, तो वो बहुत बड़ा बयान भी देते हैं, लगातार प्रोटेस्ट की बात करते हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर के भी जाते हैं। अब जिस पीड़ित परिवार से आप मिलने के लिए आए, रात की घटना वो थी जिसका जिक्र आपने किया, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, पत्थर फेंके गए, सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, चोटें उन्होंने दिखाई, तो अशोक गहलोत साहब क्या सरकारी राशि का मुआवजे से मरहम लगाने की कोशिश करेंगे? अन्याय अन्याय होता है, किसी के साथ भी हो, कहीं पर भी, और हमें अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए चाहे कोई परिस्थिति हो। और हम लोग जब विपक्ष में थे तभी आपको याद है बाड़मेर में डेल्टा मेघवाल के बच्चे के साथ जो हुआ था, उस वक्त भी हमने इसको एंड तक ले गए उस जांच को, पड़ताल को। आज भी हमारी सरकार हमारी है, लेकिन न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। और खासकर मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, 75 साल देश को आजाद हुए, जब तक हमारे दलित आदिवासी भाइयों के मन में विश्वास पैदा नहीं कर सकते कि हम बराबर के साथी हैं और आपके साथ कोई अत्याचार या कोई अपराध कर बच नहीं सकता, ये विश्वास कायम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए, व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको बदलने के सरकार को काम करना चाहिए। सर एक घटना अलवर में भी हुई है, मामले की घटना।